Hi guys, welcome back to The Reactionist. This is Pravash. This is Adan. आज हम रिएक्ट करने वाले हैं ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ गैसलाइट. जी हाँ, ये सारा अली खान, विक्रम मासी और चित्रांगदा सिंह की अपकमिंग वेब सीरीज है जिसके ट्रेलर के ऊपर आज हम रिएक्ट करने वाले हैं. देखते हैं कि इसमें नया क्या हमें देखने को मिलता है. और ये जो कॉम्बिनेशन है तीनों का, ये पहली बार शायद एक साथ काम कर रहे हैं. एंड सारा अली खान का शायद ये वेब सीरीज पहला वेब सीरीज होने वाला है. या फिर ऐसा भी हो सकता था ये एक फिल्म होने वाली थी उसे कन्वर्ट कर दिया, बट वी नेवर नो. कुछ भी हो सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर. लेट्स गो. लुक एट यू, कितनी अच्छी बड़ी हो गई. सो गुड टू सी यू मिशा, वेलकम होम. चित्रांगदा सिंह, हाय रुक्मिणी. टिप्स फिल्म से प्रोडक्शन. ओके रुक्मिणी, दादा खान डोंट वरी, तीन चार दिन में आ जाएंगे. और तब तक आल कीप इट कंपनी. वो सच में बहुत खुश हैं. फिल्म फिल्म में क्या फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? The real queen of my god is returned. अक्षय ओबेरॉय. So you need to say ki Ratan wapas aa gaya aur hum sabke saath luka chupi khel rahe hain. I know maine kya dekha. Ek taraf aap kehte hain Rahul Dev Rahul Dev. Aur yadi dekha to missing kise? Aur agar missing hai to kise dekha? Mujhe bas itna pata hai ki Data ne mujhe yahan bulaya aur wo khud gayab hai. Aur unka phone off kyun hai? Who's this Data? Matlab kaun play kar raha hai wo? Sara Ali Khan ke father ka. Ghar Data ki body yahan thi. दादा का कौन है कपिल? पर कोई ऐसा करेगा क्या? मुझे कैसे पता? हर वो चीज और गाइज ओवरऑल जो हमने देखा वो काफी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली एक वाइब देती है. और सारा अली खान का जो कैरेक्टर है वो अपने पिता को ढूंढने निकली है इस कैरेक्टर. इस ट्रेलर में हमें ऐसा लगता है और लगता है कि उनके पिताजी का कत्ल हो गया है. और ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें एक ऐसा विजन आता है, ऐसा लगता है कि उनके पिताजी जिंदा हैं. या ऐसा भी एट द एंड, मैं ऐसा स्पॉइलर तो नहीं है, हमको हम में से किसी को भी नहीं पता इसकी कहानी क्या है. मुझे ऐसा लगता है कि शायद सारा अली खान को सब कुछ पता होगा, वो जानबूझ के ऐसे दे रही है ताकि लोगों का पर्दाफाश हो सके कि उसको पता ही है कि उसके पापा जिंदा नहीं है. जैसे कि हमने बताया कि ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं. बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर ऐसे बहुत सारे डाउट्स जाते रहेंगे या फिर ट्रेलर को वैसा दिखाया ही गया कि तो आप किसी को गेस नहीं कर पाओगे. एब्सोल्युटली. सो ओवरऑल जो भी देखा हमने काफी कमाल का था. और रिसेंट टाइम में सारा अली खान के तरफ से ऐसा कोई कंटेंट के ऊपर ऐसा एक्टिंग करना वो हमने नहीं देखा था. सो इट्स अ बिग चैलेंज फॉर हर. और इट्स अ गुड चेंज इन हर यू नो कोरियोग्राफ. मच नीडेड. ऐसा भी चाहिए था. और चित्रांगदा सिंह वो तो यू नो फॉरएवर शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल. और यहां पे भी काफी अच्छी लगी है वो. विक्रांत मसी ये एक इंसान है कि जिसको ही शुड गेट हिज ड्यू. दिस गाय हैज बीन एक्टिंग सच इतने सारे सीरीज में, इतने सारे कॉन्टेंट्स में हम उनको देख रहे हैं. यू नो आप कह लीजिए मिर्जापुर कह लीजिए, फोरेंसिक कह लीजिए, और काफी ऐसे शोज हैं, काफी ऐसे फिल्म हैं जिनमें उन्होंने काम किया है. दैट एंड दिस गाय शुड गेट हिज ड्यू नाउ. क्योंकि बहुत ऐसे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में जिन्हें अब नोटिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. पर विक्रम मसी गाइज उन्होंने हर वक्त जितने भी कंटेंट में उन्होंने काम किया, हसीन दिलरुबा कहिए और कई सारी कंटेंट है, मैं गिनते रह जाऊंगा वो कम नहीं पड़ेंगे. तो आपको पता होगा कि विक्रम मसी कितने बड़े एक्टर हैं. और इसमें उनके बारे में दिखाया तो गया है पर उनके कैरेक्टर के बारे में ज्यादा पता नहीं चला. क्योंकि आई गेस वो वहां पे ही इज वर्किंग एज अ मैन फ्राइडे, जो
यू नो जो मदद करते हैं, हेल्प कर देते हैं घर में, एक वर्कर नहीं कह सकते बट एक सपोर्टिंग स्टाफ है उस एस्टेट के, जहां आपकी वो बेसिकली कोई राजकुमारी या फिर कोई होगी या फिर जमींदार जैसे कोई हुए रहे होंगे होंगे कभी। और यहाँ पे भी हमें राहुल देव देखते हैं एज अ इंस्पेक्टर, और हमने हंटर में भी देखा, तो ही इज क्वाइट बिजी राइट नाउ, सो ही हैज गॉट हिज हैंड्स फुल विद मेनी यू नो मूवीज एंड मेनी सीरीजेस। अक्षय ओबेरॉय को देख के भी अच्छा लगा। अक्षय ओबेरॉय को मैंने लास्ट टाइम मैंने आई गेस गुड़गांव एक सीरीज है, एक फिल्म है जो जिसमें पंकज त्रिपाठी सर थे, वो मैंने देखा था। बहुत ही डार्क और बहुत यू नो एक डिस्टर्बिंग फिल्म थी और मुझे बहुत अच्छी लगी यू नो पूरी फिल्म, और उनका किरदार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ओवरऑल ये जो कास्ट है, वी दे हैव द टीम हैज गॉट अ वेरी यू नो पावरफुल कास्ट एंड अ यूनिक कास्ट, मैं कह सकता हूं कि बहुत यूनिक है। और ये तो देखना पड़ेगा गाइस कि इनके पापा का जो कत्ल हो जाता है या फिर होता भी है या फादर नहीं, का रोल कौन कर, ये फादर का रोल कौन कर रहा है, यही उनके कैरेक्टर की ज्यादातर मिस्ट्री रहती है इस स्टोरी के इर्द गिर्द। तो ओवरऑल गाइस जो देखा हमने काफी पसंद आया। और इस मूवी के जो डायरेक्टर है वो है पवन कृपलानी, जिन्होंने रिसेंट टाइम में फोबिया और डर एट द मॉल और रागिनी MMS 2 और कई सारी मूवीज को उन्होंने डायरेक्ट किया है। फोबिया 1-2 दोनों ही उन्होंने और एक है। और एक मूवी भी थी भूत पुलिस, उसको भी उन्होंने। सो ही हैज नॉट यू नो ही हैज नॉट रिसीव दैट सक्सेस व्हिच ही इज एक्चुअली लुकिंग फॉर। पर उनका एक एक अजीब चीज है कि उन्हें मतलब पैरानॉर्मल में ज्यादा, पैरानॉर्मल साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में उनका ज्यादा मतलब उनका इंटरेस्ट रहा है। सो जिसका जिसमें इंटरेस्ट हो उसी में अगर काम कर रहा है तो आई एम श्योर कि वो राह पे चल रहे हैं और उनको वो सक्सेस जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। वो एक फोकस्ड लाइन पे है, उनको वो सक्सेस जरूर मिलने वाली है। और जहां उनको इतने अच्छे कास्ट मिल गए हो, इतना अच्छा प्रोडक्शन हाउस मिला हो, टिप्स जैसी प्रोडक्शन हाउस हो, तो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट मिला है। एंड आई एम श्योर दैट पवन कृपलानी इज गोइंग टू डू वंडर्स दिस टाइम। और कंटेंट के बारे में क्या कहे गाइस, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू सी। अगर ये वेब सीरीज भी होती तो भी बहुत अच्छी होती, अगर ये फिल्म है एज इट इज रिलीजिंग एज अ फिल्म इन डिज्नी प्लस हॉटस्टार, आई एम श्योर ये बहुत अच्छा एक फिल्म बन के उभर आएगी। और सारा अली खान रिसेंट टाइम में गाइस उन्होंने बहुत सारी मूवीज उनकी आने वाली है, तो वो बहुत सारे जॉनर को एक्सप्लोर कर रही है, तो ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है तो उनके करियर के लिए काफी अच्छा है। और भी उनका एक्टिंग में जो निखार वो आना चाहिए वो आ जाएगा शायद इतने सारे कंटेंट में अगर वो काम करेगी कमर्शियल को छोड़कर, तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। भूल मत जाइएगा गाइस, ये मूवी रिलीज होने वाली है, स्ट्रीम होने वाली है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 31 मार्च को, जाके जरूर देखिए। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है, अगर आप विक्रमासी के फैन हो, सारा अली के फैन हो या फिर चित्रांगदा सिंह के फैन हो, तो आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगा। सो गाइस यही था हमारा रिएक्शन ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर ऑफ गैसलाइट। आपकी क्या राय है इस ट्रेलर के बारे में, हमारे रिएक्शन के बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाके बताइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर में जाके फॉलो कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करें तो आप इंस्टाग्राम और ट्विटर में जाके हमें DM कर सकते हैं, वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एंड वी विल श्योरली रिएक्ट ऑन द ट्रेलर और टीजर। और इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, एंड टिल देन The reaction says, Jai Hind.